अब नो मोर सीन, अब आपको सिर्फ मेरी बॉडी दिखेगी कपड़ों में। बिल्कुल, मैंने बोला कि भाई आप बॉडी कर लो कवर। पोजिंग में हेल्प हो सकती है, कुछ भी आपको लगता है कि ये हेल्प हमें जुनैद कलीवाला कर सकता है बीइंग एन आईएफबीबी प्रो, आप मुझे बोल सकते हो। एंड वेलकम बैक टू बॉडी बिल्डिंग टीवी का, एक बार फिर से आपका स्वागत है बॉडी बिल्डिंग टीवी पे। रोहित भाई का आज देखेंगे कि क्या सच में रोहित भाई जीत सकते हैं कंपटीशन को, और तरुण भाई का भी एक अपडेट दोस्तों, जो नूर खान सर का उनका डायरेक्शन है, और साथ ही जुनैद कलीवाला ने क्या अपडेट दिया, क्या मैसेज दिया एथलीट्स को दोस्तों, एक नई पहल करने की कोशिश, एक मदद करने की कोशिश जुनैद भाई की, तो शुरुआत इनसे ही करेंगे। तो इन्होंने ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ कहा दोस्तों कि वो एथलीट्स को मदद करना चाहते हैं, उस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखना दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा। हे एवरीबॉडी, अगर आप में से कोई भी नेक्स्ट वीक मुंबई में कम्पीट कर रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की हेल्प लगती है और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, चाहे वो रिलेटेड टू पोजिंग हो या लास्ट मिनट स्टेज प्रेजेंस हो या कुछ भी कोई भी जो ह्यूमनली पॉसिबल होगा, अगर आपको लगता है कि वो हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ जेन्युइन लोग ही मैसेज करना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प समबडी इफ आई कैन। अगर मेरी वजह से किसी की मदद हो सकती है, किसी के शो में कुछ आसानी हो सकती है, पोजिंग में हेल्प हो सकती है, कुछ भी आपको लगता है कि ये हेल्प हमें जुनैद कलीवाला कर सकता है बीइंग एन आईएफबीबी प्रो, आप मुझे बोल सकते हो। एंड दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ, इसके कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। मैं दिल से खुशी खुशी आपकी हेल्प करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि 2 तारीख को मैं और बिकी पाजी एक छोटा सा वर्कशॉप भी रख ले। आई विल कीप यू अपडेटेड, ऑल द बेस्ट। पता है कि जब आप दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में जाके खेलते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो कोई ऐसा मेरा भाई, कोई मेरा ऐसा एथलीट दोस्त जो दूसरी सिटी में आ रहा है, जैसे कि बॉम्बे आ रहा है, कम्पीट कर रहा है, और उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, खाने में कुछ दिक्कत होती है या कुछ अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये चीज कहाँ मिलेगी, मैं कोशिश करके जवाब दूंगा, बताऊंगा। और अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है खाने पीने की, तो मुझे आप मैसेज कर दो, मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे जो हो सके मैं आपको हेल्प कर दूं। ऑल द बेस्ट। तो जिन भाई लोग को मदद की ज़रूरत है, एथलीट्स को जो जा रहे हैं शुरू क्लासिक में कम्पीट करने के लिए, तो वो इनसे मैसेज कर सकते हैं, इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो मदद करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब बात करेंगे हमारे रोहित खत्री की। तो रोहित भाई साहब ने फिजिक अपडेट शेयर किया उनके इंस्टाग्राम पे, और इस फिजिक अपडेट को देख के हम बताएंगे कि कहाँ स्टैंड करते हैं रोहित भाई अमेच्योर ओलंपिया में, शेरू क्लासिक में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन दिखाई दे रही है, चेस्ट में फाइबर दिखाई दे रहे हैं, वस्कुलरिटी जो होती है, वेंस जो दिखाई दे रहे हैं पोजिंग करते टाइम रोहित भाई की, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बट बात वहाँ आ जाती है कि साइज बंदे में अच्छा गेन किया है भाई साहब ने, ऐसा नहीं कि साइज़ गेन नहीं किया है इतने दिनों में, बट उतना ज़्यादा साइज़ नहीं है, उतना ज़्यादा मास नहीं है, उतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है भाई की जो उनको जिता दे इस कंपटीशन में। मुझे तो नहीं लगता कि रोहित भाई शेरू क्लासिक में टॉप 5 में भी आएंगे दोस्तों। अगर आपको इन पे भरोसा है और आपको लगता है कि यह आप सकते हैं, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आप अपने थाट्स बताइए मुझे इनके बारे में कि क्या आपको लगता है कि ये आने वाले शेरू क्लासिक कंपटीशन में हायर प्लेसिंग ला सकते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर 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 बताइए। अब चलते हैं तरुण गिल के तरफ। तो तरुण गिल भाई साहब ने अभी एक नया आइडिया बना लिया है कि अभी वो उनकी जो बॉडी है उसको नहीं दिखाएंगे फैंस को, जब तक कि वो स्टेज रेडी नहीं हो जाते, स्टेज पे आने के बाद ही दिखाई देंगी तरुण गिल की बॉडी दोस्तों। अभी इंस्टाग्राम पे वो अपनी बॉडी नहीं दिखाएंगे, ना ही उनके यूट्यूब चैनल पे, अब सीधा वो आएंगे स्टेज पे, और उनका कहना है कि आने वाले 7 दिनों में उनकी बॉडी को और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ऐसा नूर खान सर का भी कहना है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब नो मोर सीन, अब आपको सिर्फ मेरी बॉडी दिखेगी कपड़ों में। बिल्कुल, मैंने बोला कि भाई आप बॉडी कर लो कवर। अब बॉडी दिखेगी आपको 3 तारीख को जब हम आज जाएंगे और होगी प्री जजिंग।
चार कॉपी भेजेंगे जजेस के लिए भी कुछ लेके जाना चाहते हैं हम इसलिए हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि भाई हमने बॉडी छुपा रही, बॉडी तो छुपती नहीं है, आप लोगों को भी मालूम है भाई ने माशाल्लाह बनी हुई इतनी जबरदस्त बड़े वेट में तो दिख जाती है, बट एक होता ना एक्साइटेड, आप लोगों को मजा आएगा जब आप देखोगे एकदम न्यू तार एक न्यू लुक, अरे ये क्या हो गया। हम मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ये कमेंट लिखें, अरे भाई ये कैसे जबरदस्त, क्योंकि अच्छे बुरे जो कमेंट है इस बार आप जब देखो तो आपको पता चले कि वाकई में एक हफ्ते में क्या होगा देखने वाला होगा गाइस। तो दोस्तों नूर खान सर के इस आइडिया से एक अच्छी हाइप क्रिएट हो सकती है तरुण गिल सर की बॉडी को देखने के लिए, क्योंकि अभी हम फिलहाल आज तक तो उनकी फिजिक देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, बट अब जब ये 7 दिन तक अपनी बॉडी नहीं दिखाएंगे और अचानक स्टेज पे आने के बाद उनकी फिजिक देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा सारे के सारे फैंस को दोस्तों। तो बस अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और आपके थॉट आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।